नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या समस्या इनकी इस सप्ताह हल होगी जो भी पिछले हफ्ता से झेल रहे थे, जानेंगे आज इस वीडियो में। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के चंद्रमा इस वक्त जो गोचर करे, इस सप्ताह जो गोचर करेगा वो इनके अष्टम भाव भाग्येश स्थान पर और कर्म भाव पर सप्ताह के अंत में आते आते गोचर करेगा। दोस्तों, इस सप्ताह के शुरू होगा ये सप्ताह, तो आपकी विवाह संबंधी जो भी समस्या थी वो इस सप्ताह हल हो जाएंगी। अपने जो पार्टनर है उनका कहना माने, चाहे वो आपके पति हो, जो बीवियां हैं वो उनके पति हो, तो वो अपने पार्टनर का कहना माने, उनके ऊपर अपना जिद पना हैवी ना करें। दोस्तों, कोई अचानक से आकर बीमारी आपको घेर सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कुछ भी अनाप शनाप खाने से बचना है। धन इस सप्ताह आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े थे, सट्टा मार्केट से जुड़े थे, उनको इस सप्ताह कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इस सप्ताह आपको सप्ताह के बीच में आते आते अपने घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें। किसी गुरुजन से आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी जो लोग अपने गुरु से नहीं मिल पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, इस सप्ताह उनकी ये समस्या भी हल हो जाएंगी। दोस्तों, जो भी काम आपका रुका हुआ था वो धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और आपका काम चलना स्टार्ट हो जाएगा इस सप्ताह के बीच में आते आते। आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। किसी सरकारी व्यक्ति से आपकी मुलाकात या फिर किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है, तो उससे सोच समझकर वार्तालाप करें, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। चलिए जानते हैं इस सप्ताह क्या उपाय करना चाहिए, जो भी समस्या हो वो पहले से ही हल हो जाएं। दोस्तों, इस सप्ताह आपको नियमित रूप से पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है और हनुमान जी को मंगलवार को कोई मीठा सा भोग बना करके खिलाना है, उनको भोग लगाना है। ये आपको नियमित रूप से करना है। पीपल के पेड़ में नियमित रूप से जल देना है, सिर्फ और सिर्फ संडे को छोड़ करके। ऐसा करने से जो भी समस्या आपके सामने आ रही थी अभी तक, जो भी समस्या थी वो इस सप्ताह हल हो जाएंगी ये उपाय करने से। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।